सबकी तरफ से होगी। में कहावत है कि दूध का जला हुआ छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है। हमारे भाई रफीक मंडेलिया जी उम्मीदवार थे तो बंबई से एक हीरो आया था। अब हीरो जी के पास खड़ा कर दिया मेरे को। अब हीरो जी का वजन तो था 40 किलो और मेरे में था 100 किलो और वो स्टेज जो है वो डर टूट गिर चिक गया। वो तो बच्चे भी थे जो वजन भी कम था, मेरी जो कमर टूट गई। आज ये स्टेज ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है ये तो मेरे लग रही है धक 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 धक। अब पार्टी की आवश्यक मीटिंग होने के कारण मुझे जयपुर बुला लिया और मुझे 7 बजे तक हर हाल में जयपुर पहुंचना है, इसलिए मैंने सीधा ही बोलना प्रारंभ कर दिया। आप लोगों ने मेरा इतना, मेरे साथियों का बहुत स्वागत किया, बहुत ही गाजे बाजे के साथ में आप यहाँ स्कूल तक हम सब साथियों को लेके आए। युवाओं का, मेरे नौजवान साथियों का जो उत्साह मैंने देखा तो मैं तो खड़े खड़े, मेरे लोगों के तो खड़े हो ही रहे थे कि हमारे साथी हैं। ना ना दौड़िया सविता दौड़िया ये भी नाचने लगी जी तो विमला जी का भी कर रहा था क्योंकि
वो जो धुन चल रही थी उस धुन पे सबके नाचने का दिल करता था। जब नाचने का दिल कहां करता है? जब मन खुश होता है। जब दिल खुश होता है, आपके बीच में आने से दिल भी खुश हुआ, मन भी खुश हुआ, और आप जो है इतनी बड़ी संख्या में सब काम छोड़ करके यहां उपस्थित हैं, ये मेरे प्यार का, आपके आशीर्वाद का सूचक है। यहां पर आप सबकी इच्छा थी कि मुड़ावासी ग्राम पंचायत बननी चाहिए, ये कानून कायदे में नहीं आ रही थी, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर से माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला और मैंने कहा कि ये माइनॉरिटी का गांव है, इसके साथ दो छोटे छोटे गांव और लगे हैं, विकास के रास्ते बंद हैं, तो आप जो है नियमों में छूट करके तो ये काम आप पंचायत का करके दो। उन्होंने हाँ भरी और आपकी ग्राम पंचायत मुख्यालय मुड़ावासी खुल गया। साथियों, पंचायत मुख्यालय खुलने से विकास के रास्ते खुल जाते हैं, विकास के रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। जो भी योजनाएं बनती हैं उसमें ग्राम पंचायत का विशेष तौर से ख्याल रखा जाता है, चाहे वो एमएलए हो, चाहे प्रधान हो, चाहे मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे सरकार हो, ग्राम पंचायत की, ग्राम पंचायत की अपनी एक महत्वता होती है। ये विकास की गंगा आपके मुड़ावासी पंचायत में ताकत से बहे, आप भी प्रयास करो, मैं भी प्रयास करूंगा कि हमारा क्षेत्र जो है दिन रात दूनी चौगुनी प्रगति करे, हमारे यहाँ के नौजवान इसका लाभ प्राप्त करे। लाड आपका प्यार मुझे बहुत मिला हुआ है, चुनाव के अंदर आपने मुझे बहुत लाड प्यार दिया, मेरी ताकत बढ़ाई, हौसला दिया, और मैं 3 साल से देख रहा हूं, उस वक्त कुछ भाई भटक गए थे, हो जाता है कभी किसी कारण से, कभी रिश्तेदारी के कारण से, कभी दोस्ती के कारण से, कुछ इधर उधर भी हो जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि अब की बार सबका मानस ठीक है, और किसी भाई के नहीं है तो कर लो ठीक सब मिलकर के, कोई मेरे लायक काम हो तो मेरे को बताओ, आपके लायक काम हो तो आपका करो, हमारे दूर क्यों बैठा, हमारे नजदीक रहना चाहिए, हमारा भाई है। लेकिन नरेंद्र बुड़ानिया के घर के दरवाजे उसके लिए खुले हुए हैं। जिस समय से दौर से हम गुजर रहे हैं, ये बड़ा खतरनाक दौर चल रहा है देश में, जिस प्रकार का माहौल बन रहा है वो एक खतरे की घंटी नजर आ रही है। जातिवाद, धर्म, इस पे आधारित होकर के ये देश चल रहा है। क्या हम लोग इसके ऊपर चल सकते हैं? हमको खाना भी चाहिए, हमको शिक्षा भी चाहिए, हमें स्वास्थ्य भी चाहिए, हमें सब साधन चाहिए। धर्म से, जाति से, इनसे हमारा पेट भरने वाला नहीं है देश का। सब अपनी अपनी जाति को मानते हैं, सब अपने अपने धर्म को मानते हैं, हिंदुस्तान में सबको छूट है, लेकिन देश में ऐसा राज है, ऐसी पार्टी का राज है जो काम पे इन पे कोई विश्वास नहीं रखती। कभी तो फौजियों को मरवा करके राज पे आ जाते हैं, कभी हिंदू मुस्लिम का नारा दे के आ जाते हैं, कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान का नारा दे के आ जाते हैं, लेकिन किसी प्रकार की देश की प्रगति के बारे में उनका विचार बहुत कम है, आप सब जानते हो। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, 7 साल पहले मनमोहन सिंह जी इस देश के प्रधानमंत्री थे, डीजल का क्या भाव था और कच्चे तेल का क्या भाव था? कच्चे तेल का भाव था 126 रुपए प्रति बैरल, और यहां कितना बिका? 65 रुपए लीटर, और आज जो है 60 रुपए बैरल आ गया, लेकिन हमारा डीजल 100 रुपए मिल रहा है, पेट्रोल 100 रुपए मिल रहा है। जो बच्चा अपनी मोटरसाइकिल में 50 रुपया में तेल डलवा करके वो शहर में घूम के आ जाता था,
आज 50 रुपए में जो है लाख लाख भी पार नहीं होता। आज क्या भाव बढ़े, मेरी बहनों से पूछो आप, इनकी हालत क्या है। सब्जी के भाव बढ़ गए, तेल के भाव बढ़ गए, दाल के भाव बढ़ गए, चाय चीनी के भाव बढ़ गए, कोई वस्तु खाने की जो बची नहीं है जो आम आदमी को मिल सके। तो ऐसी चीजों पे हमें हालात बहुत खराब है। किसानों की हालत आपने देखी थी अभी, एक साल तक उन्होंने संघर्ष किया सड़कों के ऊपर, अपने हक की लड़ाई लड़ी किसान ने, 600 किसान शहीद हुए हक की लड़ाई में। वो अपने लिए नहीं, हम सबके लिए लड़ाई लड़ रहे थे, हम सब किसानों की लड़ाई लड़ रहे थे। वो जानते थे कि देश बहुत खतरनाक मोड़ पे जा रहा है, और इस खतरनाक मोड़ पे चल पड़ा तो आने वाले बच्चों का, किसानों का बड़ा बुरा हाल होने वाला है, बड़े लोगों का कब्जा होने वाला है, सेठ साहूकार राज करेंगे किसान के ऊपर। लेकिन उनका संघर्ष चला एक साल तक, उन्होंने ऐलान किया कि पूरी जिंदगी भी लड़ना पड़ेगा तो हम इस सरकार से लड़ेंगे। सरकार को झुकना पड़ा, 3 बिल वापस लेने पड़े जो किसान के खिलाफ थे, और किसानों की जीत हुई। साथियों, पीछे कोविड आया, 2 साल इस कोरोना के अंदर हर तरह की लड़ाई लड़नी पड़ी, रास्ते बंद हो गए, रेलगाड़ियां बसें बंद हो गई, हजार हजार किलोमीटर लोग पैदल चल करके अपने घर पर आए, और बहुत बहुत बुरा हाल हुआ। राजस्थान सरकार का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने कोविड के अंदर, कोरोना के अंदर राजस्थान की जनता का पूरा ख्याल रखा, स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वसुंधरा जी ने कहा था कि लोग भूखे मर रहे हैं, तो अशोक गहलोत ने कहा, वसुंधरा जी मरना तो बहुत दूर की बात है, कोई बिना चूल्हा जले हुए नहीं रहेगा मेरे राजस्थान में। घर बैठे 350 रुपए दिए, घर बैठे दिए 350 रुपए जिनको आवश्यकता थी। आज मुझे आपने विधायक चुना, मैंने भी जो है मेरे कोटे से मैंने करोड़ों रुपए कोविड में लगाए। मैंने घर घर गांव गांव में अनाज भिजवाया, किसी गांव में 15 कट्टे भिजवाए, किसी में 20 कट्टे भिजवाए, कि किसी गरीब आदमी का चूल्हा जले बगैर नहीं रह जाए। मैंने मेरा फर्ज समझा, ये बुरा समय हमारा पास हुआ है, कोविड की तीसरी लहर भी हमारी चली गई है। अब मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करके मैं इतनी बात कहना चाहता हूँ कि राजगढ़ की मेरे 15 पंचायतें लगती है, मैं दिल से भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि मैं कोई एक काम कराता हूँ तो मुख्यमंत्री से 3 मांग के लाता हूँ। मैं हाथ जोड़ के 3 मांगता हूँ कि मेरे 3 ब्लॉक हैं, राजगढ़ मेरा ब्लॉक है, 15 पंचायतें मेरे लगती है, सरदार सर है उसकी 10 पंचायतें मेरे में लगती है। वो अपने आप को सोतेला नहीं समझे, ये नहीं समझेगी हमारा ख्याल नहीं रखा। कुछ लोग जो है राजनीति करते हैं, मुझे राजनीति करने से कोई एतराज नहीं, कोई पक्ष में रहता है, कोई विपक्ष में रहता है, कोई के किसी प्रकार के विचार होते हैं, लेकिन जो इस प्रकार की भावना फैलाते हैं कि राजगढ़ में कि गांव में कम ध्यान दिया जाता है, राजगढ़ के विकास में कम काम दिया जाता है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। बराबर का हक देता हूं। अभी पीछे 2 सेकेंडरी स्कूल खुले, 2 10वीं के स्कूल खुले, दोनों मैंने राजगढ़ में खुले। यहां पे सीनियर स्कूल खुलाया, यहां पर जो है जो भी मैं घर घर जितने भी मेरे गांव थे उसमें घर घर जल जो है मंजूर करा दिए, एक भी मेरा गांव छोड़ा नहीं मैंने। बाकी
और अभी पूरे जिले के अंदर, पूरे जिले के अंदर 2 CSC खुली हैं, 1 सुजानगढ़ में खुली है, जहां मुख्यमंत्री ने चुनाव में वायदा किया था, और 1 ददरेवा में खुली है। आज कोई ये कहे, आज कोई ये कहे कि हमारे पंचायतों में काम नहीं हो रहा, कह सकता है मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठाकुर साहब, आप बड़े आदमी हो, कुछ कह सकते हो, लेकिन झूठ चलती नहीं है, सच्चाई तो सामने आती है, सच्चाई तो सामने आती है। राजगढ़ के अंदर 4 नई पंचायतें मैंने बनाई हैं, चारों बनने लायक नहीं थी, चारों कोटा पूरा नहीं कर रहे थे, और चारों मैंने ग्राम पंचायतें बनवाई। ददरेवा सर्किल को सिद्धमुख में जोड़ दिया था, सारा रिकॉर्ड चला गया था, सारा जमीनों का रिकॉर्ड, सब रिकॉर्ड। जो होश आया तो लोगों ने सोचा तो मर गए हम, तो हम तो मरे मरे, हमारी आने वाली पीढ़ी भी मरेगी, सिद्धमुख कहां से जाएंगे? पहले राजगढ़ जाएंगे, फिर राजगढ़ से सिद्धमुख जाएंगे। मंत्रिमंडल से फैसला करा के पुनर्गठन कराया मैंने। साथियों, कोई छोटे काम नहीं, बहुत बड़े काम है। अरे एक जमाना ऐसा था कि एक काम करते थे तो पूरे जन्म उसको याद रखते थे, आज हम कोई ऐसा काम कराते हैं जिसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और फिर भी ठाकुर साहब कहते हैं काम नहीं हुआ। अजी मैं तो देखो, मेरी बात सुनो, ये सबसे अच्छे मेरे दोस्त हैं, ये मेरे दोस्त है, दोस्त नहीं है, मेरा छोटा भाई है, दोस्त तो मेरा, इनका बड़ा भाई था, मेरी बड़ी तकड़ी यारी थी, आज वो यारी निभा रहा है। मैं इसकी जगह होता तो नहीं रहता साथ में, इतनी यारी निभा रहा है। तो मैं अब नाम किसका लूं, मैं नाम तो मेरे आदमी का लेना पड़ेगा ना मेरे को, लेकिन मैं किसी परवाह करता नहीं हूं। आपको मैं कहना चाहता हूं, नरेंद्र बुढ़ानिया आपका है, आधी रात को भी बुलाओगे नरेंद्र बुढ़ानिया आपके बीच में रहेगा, आपके ढाणी भी लगती है पास में, मांगला भी लगता है पंचायत में, आप जाइए उनके पास, उनको समझाइए, उनके काम करवाइए, उनको जोड़िए साथ में, ताकि आप भी मजबूत हो पंचायत में और हमको भी ताकत मिले। अभी यहाँ के सरपंच साहब कौन है? अरे सरपंच साहब को कह करके जितनी सड़कें हैं ये गांव में गलियों में क्यों नहीं बनवाते? आप प्रस्ताव भेजो, मैं सब स्वीकृत करा दूंगा, और पंचायत भवन भी बना नहीं है, जल्दी बनवा देंगे, पैसे जल्दी भिजवा देंगे। अब मैं आपसे विदा होना चाहता हूं, मुझे जयपुर तक जाना है। लास्ट में एक ही घोषणा करता हूं कि ये माध्यमिक विद्यालय है, इसके पीछे उच्च ओर लगा दो, खाली जगह पड़ी है, उसमें आज ही लिख दो उच्च महाविद्यालय। उच्च माध्यमिक विद्यालय की घोषणा करता हूं। अरे जोर की ताली बजाओ। देखो बोट बोट के मजे देखो, कमरे एक आप बनाओ, 2 मेरे से लो। एक गांव का बनाओ, 2 मेरे से लो। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं,
कमरे तो मैं बोर भिजवा दूंगा आपके पास। जब तक आप स्कूल से दिल से नहीं जुड़ोगे ना, तब तक स्कूल आगे नहीं बढ़ेगा। आप अकेले मत लगाओ, आप 100-200 आदमी मिलके लगाओ। उनको लगे कि इसमें 5 रुपए मेरे पसीने के लगे हुए हैं, उसके प्रति जागृति पैदा होगी, भावना पैदा होगी। तो कमरे तो मैं 1-4 करवा दूंगा। लेकिन जब ये उच्च महाविद्यालय की घोषणा होगी, मैंने कह दिया लिख दो, चलिए लिख देना। कहा हेडमास्टर जी कहा है? उच्च महाविद्यालय कर देना इसको, प्रदेश को जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद।